और मेरी माओ मेरी बहनों तुम भी सुनो, अपने शौहर से झगड़ा करना बंद कर दो। खासकर ज्यादा झगड़ा बुढ़ापे में बुढ़ा बुढ़िया में, क्या टेंशन बुढ़िया अलग गुलगुल्ला के तरह मुंह फुलाए, आप बुढ़ाओ अलग छोहारे के तरह मुंह सुखाए हो। क्यों क्यों शौहर से बदतमीजी मत करना, शौहर के साथ मुंह मत लगाना, शौहर को बुरा भला मत कहना। सुनो तुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने अपने शौहरों को सजदा करें। ये तुम्हारे शौहर का मकाम है, फिर शौहर से लड़ती क्यों है, फिर शौहर से झगड़ती क्यों है, शौहर से नाजायज फरमाइश क्यों करती है। सुनो मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरी माओ सुनो, मेरी बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं बस तीन मिनट में हजरत मैं मैक छोड़ दूंगा, क्योंकि नहीं हजरत छोड़ देंगे उसकी वजह मैं ठंडा पानी मैं नहीं पीता हूँ, मगर पी लिया हूँ तो मेरे होठ सूख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी सूख जाए, है ना। एक बात बस तीन मिनट में उसके बाद रजी अहमद साहब आएंगे और किसी को नहीं जाना है, अगर मेरे होठ सही हो गए, ऐसा कभी नहीं होता था, आज ही सूख रहा है, ये कलेजी का रिएक्शन है या ठंडा पानी का रिएक्शन है। हाँ सुनो सुनो मेरी माओ मेरी बहनों मेरी बेटियों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, गौर से सुनो इधर सुनो, हे भैया इसको इधर दिखाओ, जब बोले लड़का लोग पांव दबा के सोएगा तो तुम लोग और तुम लोग को जब बोलना है क्या करना तो पोती से बतिया रही है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। सुनो सुनो मेरी माओ मेरी बहनों मेरी बेटियों, शौहर का क्या मुकाम है, क्या इज्जत है, क्या एहतराम है, तुम इसकी इज्जत करो एहतराम करो। मेरे आका फरमाते हैं जो बीवी अपने शौहर के कहे बगैर अपने शौहर की खिदमत करती है, क्या मतलब, शौहर ने नहीं कहा पांव दबा, शौहर ने नहीं कहा कपड़ा धो दो बगैर कहे कपड़ा धो दो, शौहर ने नहीं कहा पानी दे दो बगैर कहे पानी ला के दे दो, शौहर ने नहीं कहा बिस्तर लगा दो बगैर कहे बिस्तर लगा दो, शौहर ने नहीं कहा बिस्तर झाड़ दो बगैर कहे बिस्तर झाड़ दो, शौहर ने नहीं कहा खाना दे दो बगैर कहे खाना दे दो। अब इसका रिजल्ट तुम सुनो, आका फरमाते हैं जो बीवी अपने शौहर के कहे बगैर अपने शौहर की खिदमत करती है अल्लाह ताला उस बीवी को ओहुद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अपने शौहर की खिदमत करो, अपने शौहर की इज्जत करो, अपने शौहर से प्यार करो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, बच्चों को अच्छी तरबियत दो, अच्छा माहौल दो।